दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आप कभी अपने किसी एक दोस्त की फ़ोटो लेते हैं और जब आप उस फोटो को देखते हैं तब वहाँ सिर्फ आपका दोस्त ही नहीं होता उस फोटो में, बल्कि कोई और भी होता है जो शायद आप लोगों के साथ ज़रूर था मगर आप लोगों को दिखा नहीं, या आसान भाषा में बोले तो हमारी आँखें देख ही नहीं सकती। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? अगर आपका जवाब ना है तो आज की ये वीडियो पूरी कोशिश करेगी आपके जवाब को ना से हाँ में बदलने में। 1959 में मिसेस मेबल चिन्नेरी अपने पति के साथ अपनी मृत माँ की कब्र को देखने जाती है। वो अपने साथ एक कैमरा भी ले जाती है ताकि वह उस जगह की और अपने माँ के कब्र की कुछ तस्वीर ले सके। मिसेस मेबल पहले अपने माँ के कब्र की कुछ तस्वीरें लेती है, फिर बिना कुछ सोचे समझे वह अपने पति की फ़ोटो लेती है जो कार में अकेले उनका वेट करता रहता है। ओह सॉरी, अकेला वो होता नहीं, यह बस उसे लगा होगा कि वह उस कार में अकेला है, मगर सच कुछ और ही है। जब फाइनली फोटोस आती है और उसे वो लोग देखते हैं तब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। सब फोटोस ठीक ठाक आती है सिवाय एक फोटो के, वो है ये फोटो जिसमें उसका पति अपने कार में बैठा रहता है, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसके ही कार में मेबल की माँ भी बैठी हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई मरने के बाद भी फोटो पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या है इस अजीब घटना का राज? इन सब का खुलासा करने के लिए फोटो को एक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट के हाथों दे दिया जाता है जो फोटो की अच्छे से जांच पड़ताल करता है और कहता है कि यह कोई रिफ्लेक्शन या डबल एक्सपोजर नहीं हुआ है फोटो में, मतलब ये फोटो पूरी रियल है। अपनी जांच पड़ताल के बाद एक्सपर्ट का ये स्टेटमेंट है। I stake my reputation on the fact that the picture is genuine. नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पर अकेले हो मगर आपको लग रहा है कि शायद कोई आपके इर्द गिर्द है, आप अकेले नहीं हो, तो समझ जाओ कि शायद कुछ गड़बड़ है।